नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के गुलाटी, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बात करूंगा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, और वो है बच्चों में लगने वाली चोटें, जो कि चेहरे के ऊपर, खासतौर से माथे पे, ठुड्डी पे या गाल पे लग जाती हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माइनर कट्स, जिसको कि हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में लेसरेशंस कहते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2-3 सेंटीमीटर के कट्स, इनके बारे में बात करूँगा। ये बहुत ही कॉमन होते हैं, और कहीं चीज़ से टकराने से या गिर जाने से, किसी हार्ड सरफेस से टकराने से इस तरह की चोटें हो जाती हैं। तो इस तरह की चोटों में अगर हो गई है तो एम क्या है? एम ये है कि ब्लीडिंग रुक जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो, और वूंड बहुत ही मिनिमम स्कार के साथ हील हो जाए। स्कार ना रहे ये तो संभव नहीं है, ऐसी कोई टेक्निक मेडिकल साइंस के पास नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत ही माइनर स्कार के साथ वूंड हील किया जा सकता है, और इसके लिए प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। ये जो स्क्रीन पर आप दो फोटोग्राफ देख रहे हैं, इन पेशेंट्स को सही मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं मिल पाया, और एंड रिजल्ट ये रहा कि एक के माथे पे काफ़ी चौड़ा सा निशान है, स्टिच के भी मार्क्स हैं, और दूसरे के चिन के ऊपर कट था और उसमें बहुत ही चौड़ा सा स्कार है और स्टिच के भी मार्क्स हैं। एक बार इस तरह के स्टिच के मार्क्स आ जाएं तो इनको किसी भी टेक्निक से पूरी तरह हटाना संभव नहीं होता, और कुछ इम्प्रूव तो ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह हट जाए ये संभव नहीं होता। तो कट्स के मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस सिचुएशन में लैंड अप ना करें, यह हालत ना हो। तो सबसे पहले अगर इस तरह की चोट लग जाए तो क्या करना है? ब्लीडिंग रोकनी है, और ब्लीडिंग रोकने का सबसे आसान तरीका है प्रेशर। प्रेशर घाव के ऊपर एक साफ रुमाल से या कपड़े से देना चाहिए, और कांस्टेंट प्रेशर 10-15 मिनट तक देना चाहिए। बीच बीच में रुमाल को या कपड़े को उठाकर झांकना नहीं चाहिए, इससे ब्लीडिंग रुकती नहीं है। इस तरह के माइनर कट्स में वैसे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती नहीं है, लेकिन लगती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर फेस से टपकता हुआ ब्लड सारे कपड़ों को स्टेन करता जाता है, और ऐसा लगता है कि मानो बहुत खून बह गया और आप पैनिक करने लगते हैं। तो ये मान के चलिए कि इस तरह के कट्स में ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी, और प्रेशर से इसको आसानी से रोका जा सकता है, कांस्टेंट प्रेशर 10-15 मिनट तक। इस तरह की चोट में एक और बात ध्यान रखने की है कि चोट लगने के बाद बच्चे को कुछ खाने पीने को तुरंत ना दें, क्योंकि अक्सर ये बच्चे छोटे होते हैं, इनको लोकल एनेस्थीसिया में रिपेयर करना संभव नहीं होता, हल्का एनेस्थीसिया देना पड़ता है, और हल्का एनेस्थीसिया देने के लिए 4-5 घंटे बच्चे को खाली पेट होना चाहिए। तो अगर आप कुछ खाने पीने को दे देंगे तो वो एनेस्थीसिया देने में देरी होगी और रिपेयर देर से हो पाएगी, तो इस बात का ध्यान रखें। ब्लीडिंग रोकने के बाद आपको बच्चे को आइडियली, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आइडियली एक प्लास्टिक सर्जन के पास ले जाना चाहिए, जो कि आपके बच्चे का लेसरेशन या कट हल्के एनेस्थीसिया में प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक्स द्वारा रिपेयर कर देगा, और एक मिनिमम सा स्कार आएगा और बच्चा ठीक हो जाएगा। तो आइए ये समझ लेते हैं कि प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक है क्या। इन कट्स और लेसरेशंस का रिपेयर ऑपरेशन थिएटर में प्रॉपर कंडीशंस में किया जाता है, और सबसे पहले इन कट्स को एक शार्प वूंड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ज़्यादातर ये कट्स और लेसरेशंस शार्प नहीं होते, क्योंकि ये स्किन के अंदर की बोन और एक बाहर की हार्ड सरफेस के बीच में दब जाने से होते हैं, तो मार्जिन्स उसकी क्रश्ड होती हैं। तो सबसे पहले तो इस टेक्निक में मार्जिन्स को शार्प कर लिया जाता है, 1-1 मिलीमीटर के करीब मार्जिन हटा दी जाती है, तो वो कट एक शार्प वूंड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि किसी ब्लेड से या किसी कांच से चोट लगने पे होगा। इसके बाद इसको प्रॉपर टेक्निक द्वारा सूचर किया जाता है 2 लेयर्स में, और बहुत ही महीन टाँके लगाए जाते हैं, और ये टाँके 5 दिन बाद निकाल दिए जाते हैं, और एक हल्का सा निशान आता है जो कि समय के साथ धीरे धीरे काफ़ी हल्का होता जाता है। यहाँ मैं आपको एक सीरीज ऑफ फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, जिसमें बच्चे को माथे पे चोट लग गई थी और उसको इन्हीं टेक्निक्स के द्वारा रिपेयर किया गया, बहुत ही फाइन टाँकों के द्वारा। और एक बात और बताना चाहूँगा, कभी कभी पेरेंट्स इस एनेस्थीसिया से बहुत डरते हैं, वो इंसिस्ट करते हैं कि बिना एनेस्थीसिया के ही टांके लगा दीजिए। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये बहुत ही फाइन काम होता है, इसमें आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम लग सकता है, और वो अच्छी तरीके से नहीं हो सकता जब तक कि बच्चा स्थिर ना लेटे,
इसलिए हल्का एनेस्थीसिया जरूरी होता है, उसके बिना ये काम नहीं किया जा सकता। हाँ, बड़ों में, एडल्ट्स में जो कोऑपरेटिव है उसमें लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है, लेकिन छोटे बच्चों में संभव नहीं है। अगर प्लास्टिक सर्जन इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो क्या करें? देखिए, एक बात समझने की है कि टांकों के लगवाने की कोई जल्दी नहीं है। चेहरे पर लगी चोट में 24 घंटे तक कभी भी टांके आराम से लगवाए जा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ जाएगा नहीं उसमें। तो आप, अगर आपके शहर में प्लास्टिक सर्जन नहीं है तो दूसरे शहर में जा सकते हैं। ये मैं आइडियल सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ कि आप प्लास्टिक सर्जन से ही लगवाएं, अन्यथा आप किसी भी सर्जन से लगवा सकते हैं, वो भी इस काम को अंजाम दे सकते हैं और ठीक रिजल्ट आएगा। लेकिन बेहतर रहेगा कि उसके बाद आप प्लास्टिक सर्जन से कॉन्टैक्ट कर लें ताकि वो आप स्कार को मिनिमम रख सके। कुछ पेरेंट्स ये सवाल करते हैं कि क्या अगर टांके ना लगवाएं तो घाव भरेगा नहीं? उसका जवाब ये है कि घाव भर जाते हैं, अगर टांके नहीं लगवाएंगे तो भी भर जाएंगे। लेकिन दो परेशानियां आएंगी, एक तो घाव भरने में समय लगेगा और निशान चौड़ा आएगा। उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, उसको प्लास्टिक सर्जन बाद में एक्सरसाइज करके, स्कार रिविजन करके अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन इस जल्दबाजी में कि टांके लग जाएं, गंदे मोटे टांके लग जाएं जो कि लंबे समय तक छोड़ दिए जाते हैं और टांकों के निशान आ जाएं, इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। ये जो आप कुछ फोटोग्राफ्स देख रहे हैं इसमें टांके नहीं लगाए गए और थोड़ा चौड़ा निशान आया, और इसको निकाल के, स्कार को हटा के एक फ्रेश वुंड में कन्वर्ट कर दिया गया और रिपेयर किया गया तो भी रिजल्ट ठीक आ गया। तो वेट करने में कोई हर्ज नहीं है, टांके नहीं लगवाना चाहते ना लगवाएं। यहाँ पे एक सिचुएशन और आती है कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि ग्लू लगा दीजिए या स्ट्रिप्स लगा के वुंड को बंद कर दीजिए, वो भी किया जा सकता है। खराब टांके लगवाने से अच्छा ग्लू लगाना या स्ट्रिप्स लगाना है, लेकिन आइडियल प्लास्टिक सर्जिकल रिपेयर ही है। लेकिन अगर वो उपलब्ध नहीं है तो ग्लू भी लगवा सकते हैं, स्ट्रिप्स से भी वुंड को क्लोज किया जा सकता है, लेकिन हर हाल में कोशिश करें कि स्टिच मार्क्स ना आए। अब हम इस सिचुएशन की बात करेंगे कि अगर मान लीजिए टांके लग गए हैं और आपको लग रहा है कि वो प्लास्टिक सर्जन ने नहीं लगाए हैं, आइडियल सिचुएशंस में नहीं लगे हैं, बहुत मोटे टांके लग गए हैं, तो आप प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं, तो वो उस सिचुएशन को असेस करेगा। अगर उसको ठीक नहीं लगता तो उन टांकों को हटा देगा, दोबारा रिपेयर कर सकता है, और अगर घाव जुड़ गया है तो उसको छोड़ देगा और स्कार को मिनिमाइज करने की टेक्निक्स बताएगा और बाद में डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है। लेकिन प्लास्टिक सर्जन से संपर्क करने में आपको हर हाल में फ़ायदा ही होगा। इस फोटोग्राफ में इसी तरह का एक पेशेंट है जिसको कहीं पेरिफेरी में टांके लग गए थे, बहुत ही मोटे कॉटन के थ्रेड से टांके लगाए गए हैं जो कि डेफिनेटली स्टिच मार्क्स छोड़ देंगे, तो इनको यथाशीघ्र निकलवा दें, यही ठीक इसमें फैसला है। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।